अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फ्री कंस्टेंट में अदर इंग्रेडिएंट्स डेट इज़ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट बेसिकली इस टाइप के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं। मिस स्टेटमेंट का सिंपली जो मीन है वो है किसी से गलत बयानी करना। आया वो गलत बयानी इंटेंशनली भी हो सकती है और अनइंटेंशनली भी हो सकती है। इंटेंशनली होगी तो बेसिकली हम उसे फ्रॉड काउंट करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मिस स्टेटमेंट में, उसे देखते हैं। नंबर वन इज़ रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। जब आपके इल्म में आ जाए कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है तो उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किसके ऑप्शन पे हो सकती है? एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे हो सकती है। एग्रीव पार्टी कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी जो कि लॉस सफ़र कर रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स वाई जी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है। प्रोस्पेक्टस को स्पेशल एक्ट में पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करवाया जाता है। बेसिकली अप्रूव क्या होता है? एक कंपनी है जो ट्रेन सर्विसेज दे रही होती है, ट्रेन की बेसिकली अपनी सर्विसेज दे रही होती है, उसके बेसिकली स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी वो वर्किंग कर रही होती है। वहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेन्स हैं वो रन होंगी किस पावर के साथ? वो मैकेनिकल पावर के साथ होंगी। पब्लिक को जब पता चलता है कि इसका अप्रूवल पार्लियामेंट के थ्रू स्पेशल एक्ट के थ्रू आ चुका है तो वो इनकी इस बात को रिलाई करते हुए, डायरेक्टर की इस बात को रिलाई करते हुए वो शेयर्स परचेस कर लेती। लेकिन बेसिकली डायरेक्टर्स की यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो रॉन्गफुली नहीं थी, गलत बयानी नहीं करना चाहते थे। उनको था कि पार्लियामेंट से अप्रूवल आ चुका है, बोर्ड ऑफ ट्रेड से भी हमें अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन उस वक्त वो पेंडिंग था। यहाँ पे पार्टी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने शेयर्स बाय कर लिए। अब क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड से इन्हें अप्रूवल नहीं मिलता, कंपनी वाइंड अप हो जाती है। अब शेयर्स होल्डर्स बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं हमने तो रिलाई कर लिया था, अब हम क्या करें। अच्छा, शेयर होल्डर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए चले जाते हैं तो हम क्या चीज़ सोचते हैं, हमें क्या चीज़ अपने माइंड में लगाना चाहिए? मैं अपना पैसा लगा रही हूँ तो जाहिर है उस पैसे को लगाने के लिए मुझे भी सोचना पड़ेगा या ऐसे ही मैं सुनी सुनी बातों पर अप्लाई कर लूँगी। नंबर वन इज़ ऑर्डिनरी डेलिजेंस। ऑर्डिनरी डेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक बंदा है जो कि अपने सेंसेस में है, प्रूडेंस माइंड पर्सन है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, ट्रुथ है, सही है, लेकिन आपके साथ क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। सेकेंड वन इज इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। आपके इल्म में है मिस रिप्रेजेंटेशन आपके साथ हो रही है, लेकिन उस एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, आप कह रहे परवाही कोई नहीं। नंबर थ्री इज ओरिजिनल। नंबर थ्री इज अवेयर। अवेयर किससे थे? कि आपको पता था कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन आपके माइंड में भी अपने बेनिफिट्स थे, आपने कहा कि कोई बात नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कुछ भी हो जाए हम कंपनी के पास जाएंगे, कंपनसेशन क्लेम कर देंगे। यहाँ पे आप अपना बेनिफिट सोच रहे थे। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल पोजीशन कंज्यूम। अच्छा, ओरिजिनल पोजीशन कंज्यूम क्या हुआ? एक राइस का एग्रीमेंट हो रहा है, जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है जब तक तो हम उस पर वो क्लेम कर सकते हैं मिस रिप्रेजेंट, लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन पे ना रह गया। लेट सपोज एक्स और वाई के दरमियान राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वाई ने बेसिकली क्या किया, उसे कंज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल जो पोजीशन है उसकी वो तो कंज्यूम हो गई, अब वो राइस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है हमारे पास? इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस का क्या हुआ कि यहाँ पे इस एग्जांपल हमने चीज़ देखी थी कि स्पेशल एक्ट तो अप्रूवल हो गया था पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन हमारे पास जो अप्रूवल पेंडिंग थी वो किसकी थी? बोर्ड ऑफ ट्रेड। शेयर होल्डर कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई मसला नहीं है, अप्रूवल आपको नहीं मिली है ना, आप अप्रूवल ले आइए, उसे ओरिजिनली परफॉर्म कर दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। एक एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी को ऑफर करता है कि मेरा जो एक कंटेनर है वो तकरीबन उसमें ऑयल की जो कार्टन मौजूद है वो 1000 पीट्स होंगे, वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बी यहाँ पे ये नहीं सोच रहा कि उस पर 1000 होंगे या नहीं होंगे, वो इस चीज़ को 1000 की जो एलिमेंट्स को वहाँ पे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे चांसेस तो थे ना कि वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, उसे खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस से काम लेना था, लेकिन उसने उस फैक्टर को इग्नोर किया। जब इग्नोरेंस कर दी उसने, जब वो कंटेनर वो बाय करता है तो उसको पता चलता है 100 पीसेस थे, 100 पीसेस थे। यहाँ पे बेसिकली जो
कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए की बेसिकली इंटेंशन नहीं थी बी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन करने की, ए अपने एक्ट पे रॉन्गफुल नहीं है क्योंकि उसने कहा था हो सकता है इतने हो, अप्रॉक्सीमेटली 1000 होंगे, अब 1000 नहीं निकले तो बी को तो ऑलरेडी चेक करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, तो यहाँ पे किसके पार्ट पे मिस्टेक है, बी के पार्ट पे मिस्टेक है। लास्ट वन एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटेंशनली मेरे दिमाग में हो कि मुझे इसे धोखा देना है, उसे हम सिंपली कहते हैं फ्रॉड। फ्रॉड में बेसिकली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फ्रॉड की जो बेसिकली मीनिंग क्या है, फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। क्या मतलब हो, हमने हकायक छुपा ली, रियलिटी ये थी हम दिखा कुछ रहे। अच्छा, फ्रॉड में जो चीज़ें होती हैं, एक्ट कमेंट किया जाता है। अच्छा, कमेंट करने के हवाले से तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स मौजूद हैं। किसके साथ कमेंट किया जाता है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके दरमियान फ्रॉड कमिट हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ अदर, विद द हेल्प ऑफ अदर का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन के साथ मिलकर हम कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। एजेंट ऑफ पार्टी, जो पार्टीज होते हैं उनके एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा जी, ए और सी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्पोर्टेड राइस के, इम्पोर्टेड गुड्स, राइस थी प्रोडक्ट। अच्छा, ए ने प्रोडक्ट दिखा दी, इम्पोर्टेड राइस, बेसिकली उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत इम्पोर्टेड के हिसाब से ली गई थी, वो लोकल प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं ली गई थी। 1000 टन उन्होंने 50 लाख रुपीज़ का वो कंटेनर उन्हें सेल किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रियलिटी सामने आई, रियलिटी सामने क्या आई सी के, कि जो ये इम्पोर्टेड कह के मुझे जो चीज़ें दी गई थी ना वो लोकल निकली हैं, और उसकी मार्केट में प्राइस 50 लाख रुपये नहीं है, 25 लाख रुपये। इसका मतलब क्या है, ए के माइंड में उस वक्त इंटेंशन थी कि मुझे सी को धोखा दे के उससे पैसे वसूल करने हैं, और उसने हाई प्राइस पे वो चीज़ें की। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से हो सकता है, एग्री पार्टी जो कि लॉस सफ़र कर रही है, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे या वैलिड कर दे। वॉइड का मतलब क्या होता है, वो इस चीज़ को बेसिकली कहते कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो कोर्ट में जाए अपनी रेमेडी अवेल करे। और दूसरी सिचुएशन में जो सी था वो बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा मुझे लिटिगेशन में जाना नहीं, मुझे कोर्ट के केसेस में नहीं पढ़ना, मेरे पास बड़े काम है, चलो हो गया सो हो गया। तो इस पे एग्री पार्टी के ऑप्शन पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि इसमें ये डिफेक्ट है और मैं उस चीज़ को हाइड कर जाती हूँ, तो ये भी क्या चीज़ है, फ्रॉड है। मेयर कंसीलमेंट, मेरे इल्म में नहीं थी। क्या इल्म में नहीं थी, लेट सपोज़ ये एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रही हूँ 1000 पीसेस होंगे, हो सकते हैं, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं है, मेयर कंसीलमेंट होगी वहाँ पे फ्रॉड काउंट नहीं होगा क्योंकि मेरी गलती नहीं, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है, हुआ नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक्टिव कंसीलमेंट में एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी से कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बी ने कहा ठीक है, लेकिन ए इंटेंशनली बी को ये नहीं बता रहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। इसका मतलब क्या है, ए के माइंड में ये था कि मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, उससे ये चीज़ छुपा रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मतलब हुआ इसका, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ 5 लाख रुपए में, क्या तुम उसे खरीदोगे। एक्स ने वाई से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ तो क्या 5 लाख रुपए क्या तुम खरीदोगे। वाई कहता है ठीक है मैं खरीदूंगा, लेकिन एक दिन ट्रायल पीरियड के लिए मुझे दो। अब यहाँ पे वाई के दिमाग में ये इंटेंशन थी कि उसे इस गाड़ी नहीं खरीदनी है, उसने क्या किया, वाई ने जेड को जाके कार बेच दी। अच्छा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स क्लेम जब तक कर सकता है वाई से, जब तक उसने वो गाड़ी जेड को ना बेची हो। अगर वो गाड़ी जेड को बेच दी, वाई के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर वो क्या करेगा, वो वाई से कार क्लेम नहीं करेगा, उसका कंपनसेशन पे करेगा कि मुझे 5 लाख की पेमेंट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एनी सच एक्ट अदर देन लॉस, वो उस कानून जिसे कानून ने कह दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। लेट सपोज कंपनी ऑर्डिनेंस में कुछ चीज़ें मना कर दी गई कि कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड जाके कोई भी किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो एक कानून में चीज़ आ गई, वो चीज़ नहीं हो सकती। लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव फ्रॉड। इन तमाम एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई एलिमेंट्स आएंगे तो वो भी फ्रॉड काउंट होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने फ्रॉड के बेसिकली फ्रॉड को देखा, मिसरिप्रेजेंटेशन देखे, मिसरिप्रेजेंटेशन की रेमेडीज़ अवेल की, उसके बाद हमने फ्रॉड को देखा, फ्रॉड के मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़े,
अब नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसके एसेंशियल्स देखेंगे। फिर मुलाकात होती है आपसे न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।